हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज के इस नए वीडियो में हम आपको दिखाने वाले किचन का वॉल टाइल्स कैसे लगाते हैं, वो आइडिया हम आपको दिखाने वाले हैं। और पूरा किचन वॉल टाइल लगा के दिखाएंगे और लगने के बाद कैसा दिख रहा है वो भी दिखाएंगे। अगर आपको किचन पे वॉल टाइल्स लगाना है तो ये वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज हम जो टाइल लगाने जा रहे हैं वो 12 इंच बाई 18 इंच की, मतलब 300 mm बाई 450 mm की टाइल्स है और सिरेमिक टाइल्स है। तो अभी हम लगाना चालू करेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से हमने किचन पहले बना लिया है, जो कि पर्ल ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर है और ये ग्रेनाइट आपको 90 से 100 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर टाइल्स हमने सबसे पहले भिगा ली थी, जो कि देख सकते हो इस तरह से भी पूरा टाइल जो भीग चुका है। उसके बाद में हमारा आ गया किचन सिंक, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। देख सकते हो 18 इंच बाई 24 इंच का किचन सिंक है, जो कि अगर आप मार्केट में परचेज करते हो तो ये आपको मिल जाता है आसानी के साथ 1200 से 1400 रुपये के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर हमने चालू किया वॉल टाइल लगाना, जो कि देख सकते हो इस तरह से सीमेंट का थेप अभी टाइल्स के ऊपर लगा लेना है। यहाँ पर सीमेंट का थेप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बजट थोड़ा कम है और टाइल जो लगाने का है वो थोड़ा कम बजट में लगाने का है, नहीं तो हम ज़्यादातर एडहेसिव ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडहेसिव है और थोड़ा सीमेंट है और दीवार थोड़ा सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो ग्रेनाइट की स्कर्टिंग लगाई हुई है और सीमेंट का लेयर जो है वो ज़्यादा हो गया, लगभग 15 से 18 mm हो गया है। लगभग आपको लेना है कितना, 12 mm से ज़्यादा नहीं लेना है, अगर हो सके तो 10 mm ही लेना है, लेकिन यहाँ पर लगभग 18 mm हो चुका है, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हो टाइल्स लगने के बाद ऊपर का जो गैप रह जाता है वो आपको अच्छे से भरना है, जो कि हम यहाँ पर अभी जिस तरह से भर रहे हैं उस तरह से आपको अच्छे से भर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं भरते हो तो खाली रह जाता है। हम थोड़ा जल्दबाजी में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से टाइल लगाते हैं। उसके बाद में हम जितना भी टाइल लगाते हैं उसके अंदर सीमेंट इस तरह से भर के ही लगाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अगर आप टाइल लगाते हो सीमेंट भर लेना है पूरा अच्छे से, उसके बाद ही टाइल्स लगाने का है। तो इस तरह से मैंने दिखा दिया एक दो टाइल्स लगा के, बाकी ऊपर का जो लाइन है वो लंबा देख के लगाया जाता है। अभी 4 फीट हाइट तक हम लगाने वाले टाइल्स, तो एक टाइल अभी और आपको लगा के दिखाऊंगा और उसके बाद में पूरा टाइल लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पूरा किचन दिख रहा है। तो 12 इंच बाय 18 इंच की टाइल्स है, जो कि देख सकते हो स्क्वायर में इसका डिजाइन है और थोड़ा मार्बल फिगर है। उसके बाद में हाईलाइट पीस भी यूज किया जाएगा एक दो पीस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 पीस हाईलाइट है, 3 पीस हम लगाने वाले हैं हाईलाइट का। तो देख सकते हो यहाँ पर अगला टाइल्स हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और उसके अंदर सीमेंट हमने भर लिया था। उसके बाद में अगला टाइल्स कुछ इस तरह से लगाया जाता है। सीमेंट लगाने के बाद आपको ठोकना होता है, हथौड़े से ना ठोके, थोड़ा हाथ से ही ठोके, और जब आपका बराबर हो जाए उसके बाद में वेट्रा ट्यूब होता है, आपको पता ही होगा वेट्रा ट्यूब। तो वेट्रा ट्यूब से भी जॉइंट पे किस तरह से लगाया जाता है, जो टाइल्स अंदर बाहर खींचता नहीं तो ज़्यादातर अक्सर क्या देखा जाता है, टाइल्स तो कोई भी लगा देता है लेकिन वो जॉइंट अंदर हो जाता है, मतलब अंदर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेन पार्ट यही है कि अपना जो टाइल्स लगाते हैं उसमें एडहेसिव यूज कर देते हैं, मतलब जो वेट्रा होता है वो लगा देते हैं, तो टाइल्स अंदर बाहर खींचता नहीं है। तो इसके बाद अभी हम लगाएंगे हाईलाइट पीस। तो हाईलाइट पीस लगाएंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगाते हैं। तो एक टाइल्स और लगा लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि हाईलाइट पीस कहाँ किस तरह से यूज करना है वो भी आपको बता देते हैं और कौन सा हाईलाइट लगा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक हाईलाइट पीस है, देख सकते हो जिसके अंदर कप प्याली वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ पर ये हमने रख दिया है। उसके बाद में वहाँ पर एक कॉर्नर पर लगाया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर एक लगाया जाएगा, मतलब एक टाइल जो लगा रहे हैं उसको एक छोड़ के एक और लगाया जाएगा, तो पूरा बाकी का जो टाइल्स है वो प्लेन हो जाएगा और बीच में कुछ हाईलाइट पीस। तो फाइनली कुछ इस तरह से देख सकते हो हमारा किचन जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा वॉल टाइल्स लग के फिनिश हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 हाईलाइट लगाए जाएंगे एक छोड़ के एक, तो इस तरह से देख सकते हो नीचे ऊपर करके कुछ इस तरह से लगा दिया गया है, पूरा टाइल्स लग गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बता दूं कि ऐसा अगर आप टाइल्स लगवाते हो तो खर्च कितना हो जाएगा किचन के अंदर। तो यहाँ पर हमने 4 फीट हाइट तक किचन वॉल टाइल्स लगाई है और अगर बात करते हैं इसके टाइल्स के कॉस्ट की, तो एक बॉक्स में 6 पीस रहते हैं और 6 पीस में 9 स्क्वायर फीट हो जाता है, तो 9 स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट होता है वो 220 रुपये तक चला जाता है, जो कि वाटर प्रूफ वाला। और अगर बात करते हैं कि ऐसा लगाने का खर्च कितना आएगा, तो लगाने का खर्च जो होता है वो टोटल 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च देना होता है फिटिंग का। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना।